देखिए आज हम दिखाएंगे आपको टेली ERP 9 डाउनलोड किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें अपना एक लेटेस्ट वर्जन पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, हमारा लेटेस्ट वर्जन टेली ERP 9 डाउनलोड है। ठीक है, तो इसी तरह का एक और डाउनलोड करके बताएंगे क्रोम पे जाकर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम क्रोम ओपन कर लेंगे अपने सिस्टम का। इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद हम लिखेंगे टेली ERP 9। ठीक है, हमने देखो अभी सर्च करके रखा था, जैसे कि आगे हमारा इस प्रकार का इंटरफेस है। इसके बाद फर्स्ट जो वेबसाइट है इसी पर ओके कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ओके करने के बाद इसे खोल लेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से होने के बाद हमें इसमें टैली प्राइम का भी लेटेस्ट वर्जन है वैसे तो, इसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाया रहा होगा टैली ERP 9 डाउनलोड, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड में, देखो इसने कैंसिल कर दिया। इसमें एक बार कट करके दोबारा से करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको हम इसका हिस्ट्री में भी दिखा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो है इसमें नीचे हमारा डाउनलोड होके आ गया है। ठीक है, हमने अभी डाउनलोड करके रखा जैसे सेटअप, वो हमारा सेटअप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो और ऊपर भी स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से इसे करेंगे कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हमारा जो नीचे लेटेस्ट वर्जन का अपने डाउनलोड करा था लिंक, वो इसे हम कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद देखो आपको यहाँ पे क्लिक कर है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से जो है हमारे इसमें तीन तीन टैली का सेटअप डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हमने डाउनलोड करता है इनमें से किसी एक पे भी हम क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। जैसे कि अभी ये हमने किया था तब उसी को ओपन कर लेंगे। ये टैली प्राइम है, इसे साइड वाले को। ठीक है, यहाँ से देखो इसमें ओपन ऊपर रन का भी ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हम इसे रन करेंगे। रन करने के बाद जो है हमारा टैली का लेटेस्ट वर्जन है टैली ERP 9 का। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ये हमारा ओपन होने लग रहा है। इसमें कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाएंगे और जी बैकअप कैसे लेते हैं, जनरल एंट्री किस प्रकार से बनाते हैं, सेल्स टैक्स कैसे, परचेज बिल, बोम टैक्स, TDS और कॉल सेंटर, पेरोल, इस प्रकार की जितनी भी हमारी एंट्री है, गोडाउन है, प्राइस लिस्ट है, क्रेडिट डेबिट नोट है, सेल परचेज ऑर्डर है, और जो सर्विस टैक्स है, बजट है, TDS है, एक्सेस टैक्स होते हैं, इस प्रकार के जितने भी हमारे टैक्स है ना, टोटल एक एक करके हम इसमें सारों की एंट्री करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, अभी प्रोसेसिंग में हो रहा अभी भी, क्योंकि हमने ऑलरेडी टैली को डाउनलोड करके रखा और इसमें यहाँ पे भी हमने रन कर दिया था, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी ये करेगा थोड़ा सा, एक बार हम करेंगे इसे बैक यहाँ से। ठीक है ना, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे अपना, इसे करेंगे मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ से भी हम मिनिमाइज कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद ठीक है, हमारा जो टैली का ERP 9 वर्जन है इसको हम एक बार रिफ्रेश करके इसे ही ओपन करके दिखाते हैं हम आपको। इसके बाद सेम प्रोसेस होता है, जैसे कि हम अभी इसमें ERP 9 को ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद अभी देखो ये भी थोड़ा प्रोसेसिंग में, क्योंकि सिस्टम में जो है हमारा ओवरलोड प्लस कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम इसमें बहुत सारा पड़ा है बैकअप हमारा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा लोड लेता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में वैसे है, SSD में होता तो ये बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, तो ऐसे एक बात और रिफ्रेश करने के बाद हम इसे डायरेक्ट ओपन करेंगे हम यहीं से। ओके, अब इस प्रकार से जो हमारा है टैली का बैकअप टैली ओपन होने लग रही है, टैली ERP 9। ठीक है, यहाँ से जो आपको दिखाई देगा इस प्रकार का हमारा जो है टैली का, क्लिक करते ठीक है ओपन होने लग रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। देखो इसमें नीचे दिखा रहा होगा आपको, डेस्कटॉप के नीचे, डेस्कटॉप में ही इसमें नीचे आ गया हमारा वो भी टैली ERP 9, जैसे कि हमने ये भी वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए किया था ना, इस तरह से ये हमारा जो है टैली ओपन भी होगी और आपको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा वो आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी टैली होती है ना, ठीक है, देखो जैसे कि ये यहाँ से ऐसे हम इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके हम इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिखाई दे रहा होगा, देखो इसे हम कैंसिल करेंगे एक बार एंटर करके। इसके बाद इसे भी एक बार और इसे करेंगे कट। ओह, ये फिर से इंस्टॉल पे क्लिक होगी, इसके बाद कट कर लेंगे हम ऊपर से रेड से, इसके बाद कैंसिल। ठीक है, तो हमने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि इंस्टॉल हमारे में ऑलरेडी है। इसके बाद हम चलेंगे नीचे एरो के से, यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड है, हम कौन सा मोड चला रहे, एजुकेशन मोड चला रहे। ठीक है, इसमें हम जो भी चलाएंगे वो एजुकेशन मोड में ही चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका जो होता है एक लाइसेंस नंबर होता है इसका, टैली को जब भी ओपन करते हैं, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ये एक्सेल वगैरह जितने भी होते हैं ना वो ऑफिस, इसी में भी इसी प्रकार से वो मांगता है। ठीक है, इस प्रकार से हम टैली को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ये सारी प्रक्रिया थी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल तरीके से हो जाता है टैली ERP 9 डाउनलोड। ठीक है, उसी प्रकार से हमने प्राइम को भी दिखाया होगा आपको, टैली हमारे इस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, टैली प्राइम की वीडियो भी
इसी प्रकार से टैली डाउनलोड करा था हमने, इसी प्रकार से देखो ये ERP 9 हो गया, और इसके बाद में हम देखते हैं बिजी ये रहा, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे तीनों, ये हमने एक एक बिन पे ऊपर पूरे प्लेलिस्ट की वीडियो बना के रखी है, जैसे कि इसमें तीनों में कंपनी की भी क्रिएट की, लहजा, टैक्स और ये सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है टोटल, ठीक है। तो चैनल पर, इसी चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप, वहाँ पर टोटल मिलेगा इसी में कैसे कंपनी बनाते हैं और कहाँ तक इसमें स्लिप वगैरह जितने भी होता है हर एक को पे स्लिप के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। पूरा बिल, जैसे कि परचेज का जो भी बिल होगा उसका बिल भी आप देख सकते हैं, और या फिर सैलरी स्लिप पेरोल में पेरोल की सैलरी स्लिप भी देख सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें स्टेप बाय स्टेप टोटल वीडियो दिखाएंगे हम इसमें बहुत ही आसान तरीके, ठीक है। तो वीडियो को देखना ना भूलें, चाहे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब क्या करेंगे इसमें कंपनी क्रिएट करके, ठीक है। तो अब हम इस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बाद क्या करेंगे इन्हें